खरगोन भगवानपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत काबरी के समीप ग्राम कामोद के रहवासी पिकअप वाहन से मन्नत उतारने शिवा बाबा पहुंचे, जहां वापसी के समय गलतार के समीप वाहन असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें 14 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं एक बच्ची सहित 11 पुरुष सवार थे, जबकि सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया, जबकि दूसरे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बता दें कि वाहन में 25 से अधिक सवार लोग थे। कुल 14 लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन सड़क से नीचे उतरा और चालक द्वारा रोड पर चढ़ाते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी सर? ये बता रहे हैं अभी गलतार के पास में कोई वाहन पलटी खाया है। ये सब सारे लोग पिकअप वाहन से शिवा बाबा गए थे। लौटते समय गलतार के पास में इनका पिकअप वाहन पलटी खाया है, जिसमें करीब 14 लोग अभी घायल अवस्था में लाए गए हैं। इसमें से 14 में से 2 महिलाएं, 1 बच्ची है और 11 पुरुष है, और इनमें से 2 सीरियस है, इनको हेड इंजरी है, ज़्यादा चोट लगी है। तो इसमें से एक तो रिफर हो गया है और एक अभी ट्रामा में अपने आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर अशोक वास्ते। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? बच्चे हादसा कहाँ पर हुआ? अरे गलतार के आगे, वो गलतार के आगे थोड़ा सा टर्न है। हादसा कैसा हुआ? हादसा तो सर कहीं गाड़ी नीचे उतरी, वहाँ पर चढ़ाया तो एकदम से पलट, और जितना याद है उसके बाद याद। कितने लोगों को लगा है? सभी लोगों को लगा। कितने लोग हैं? 25-26। आप लोग सब कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो कब गए थे सुबह? आप कब गए थे वहाँ? सुबह गए थे, सुबह आज ही सुबह गए थे मन्नत उतारने के लिए। हाँ, मन्नत उतारने के लिए। क्या नाम है आपका? रेमाल सिंह सुबह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।